बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक जो चल रहा है, डिस्कशन टॉपिक सॉलिड्स के बारे में चल रहा है। आज हम सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कायनात में लाखों करोड़ों सॉलिड इजसाम मौजूद हैं। उन तमाम अगर लाखों करोड़ों इजसाम की बात की जाए तो इनको दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक हमारे पास ऑन द बिहाफ सॉलिड्स ऑन द बिहाफ ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, दूसरा ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिट सेल डाइमेंशंस या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। इनकी बात करें तो कैसे, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटैलिक बॉन्डिंग, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, उसके बिहाफ पे इनको कैटेगराइज किया जाता है। सेकेंड नंबर पे जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है क्रिस्टल्स की या सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन, उसमें ऑन द बिहाफ ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स हमने बात कही थी कि एक जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल के पास थ्री एजेस लेंथ्स होती है ए बी सी, और थ्री एंगल्स होते हैं, इंटरफिशियल एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा और गामा। अब इन पैरामीटर्स के बिहाफ पे हमारे पास कायनात में जितने भी सॉलिड्स मीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हमने सात तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया या क्लासिफाई किया। जिस तरह से हमारे पास बायो में बायोलॉजिकल कंपाउंड्स जो हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो तमाम जानदारों को हमने पांच किंगडम सिस्टम में क्लासिफाई किया हुआ है। इसी तरह से हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को सात ग्रुप्स में, सात ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में क्लासिफाई किया हुआ है। कौन कौन से, सबसे पहले क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, नंबर तीन पे हमारे पास आ जाता है ऑर्थोरोपिक सिस्टम, उसके बाद हमारे पास मोनोक्लिनिक सिस्टम, उसके बाद हमारे पास हेक्सागोनल सिस्टम, रोम्बोहेड्रल सिस्टम और लास्ट पे ट्राइक्लिनिक सिस्टम। जी, हमारा टॉपिक क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। जैसा हमने पहले बात कही तो अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, डेफिनेशन पहले इसकी पढ़ते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम क्या है। तो क्रिस्टल सिस्टम जो है, हमने कहा कि जो हमारे पास सेल डाइमेंशंस होते हैं, तीन एंगल्स अल्फा बीटा और गामा, और तीन एक्सिस लेंथ ए बी सी, वो जो छह पैरामीटर्स हैं, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं, उनके बिहाफ पे हमारे पास सात तरह का क्रिस्टल सिस्टम वजूद में आता है। डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्रिस्टल सिस्टम मे बी आइडेंटिफाइड, जिसकी पहचान की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ डायमेंशंस ऑफ इट्स यूनिट सेल। मतलब जो उसके यूनिट सेल जो है, एक जो बेसिक इकाई है उसकी, जो बेसिक उसका पार्ट है, जिस तरह से हम कह लेंगे हमारे पास रूम है और रूम का एक बेसिक यूनिट एक ईन है, उसी तरह से एक क्रिस्टल लैटिस का, क्रिस्टल का बेसिक यूनिट होता है यूनिट सेल। तो उसके जो डिमेंशंस है, तीन लंबाइयां, तीन उसके एंगल्स जिनको हम कहते हैं थ्री एजेस आर एक्सिस ए बी सी, ये तीन लंबाइयां हो गई, तीन एंगल्स आ रहे हैं हमारे पास अल्फा बीटा और गामा। तो ये छह पैरामीटर्स मिलके क्या वजूद में लेके आते हैं, क्या बनाते हैं, क्रिस्टल सिस्टम बनाते हैं। क्रिस्टल सिस्टम में भी आइडेंटिफाइड बाय द डायमेंशंस ऑफ इट्स यूनिट सेल अलोंग द थ्री एजेस एंड थ्री एक्सिस एंड थ्री एंगल्स, तीन लंबाइयां तीन एंगल्स क्या बना देते हैं हमारे पास, एक क्रिस्टल सिस्टम बनाते हैं। कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास, सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स, जैसा कि हमने पहले भी बात की। कौन कौन से, सबसे पहले है हमारे पास क्यूबिक सिस्टम, फिर है टेट्रागोनल, फिर है ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, बहुत आसान सी ट्रिक है, क्रेडिट गोज टू डॉक्टर लाम सेन साहब। क्यूबिक सिस्टम ये सब
तमाम को याद करने के लिए सेवन क्रिस्टल सिस्टम को याद करने के लिए बेहतरीन ट्रिक है हमारे पास क्यूबिक सिस्टम। इसको हम लिखेंगे सी, इसको टी से, इसको ओ से, क्यों लिखा मैं बताता हूं अभी आपको, इसको अपना एम से, इसको एच से, इसको आर से और इसको टी से। जी सी मीन्स क्यूबिक, टी मीन टेट्रागोनल, ओ मीन ऑर्थोरोम्बिक, मी एम मीन्स मोनोक्लिनिक, एच मीन्स हेक्सागोनल, आर मीन्स रोम्बोहेड्रल। ये जो लास्ट वाला टी है उसका मतलब है ट्राइक्लिनिक। इसको याद करने का एक बेहतरीन तरीका जी सी टू माई हर्ट, सी टू माई हर्ट, ये इसका आसान तरीका है इसको याद करने का। अब इनको हम आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, हम इसको चल के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास क्यूबिक सिस्टम। इन दिस सिस्टम ऑल द थ्री एक्सिस आर इक्वल इन लेंथ, तीनों बराबर ए बी सी एंड आर द राइट आर आर एट राइट एंगल्स, तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री के मौजूद होंगे। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल जी। ये देखिए जरा जिस तरह से हमारे पास यू ये जरा एक दूसरे पे जब परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। इसको मैं जरा और तरीके से डिफाइन करना चाहूँ तो यू जरा ये देखिए जरा ये दो एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये थर्ड जी एक्सिस जो है आप तीनों के दरमियान देखा जाएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कुछ ऐसा ही ये तीनों लेंथ भी बराबर होगी और तीनों एंगल्स भी 90 डिग्री के बराबर होंगे। इसकी एग्जांपल्स में क्रिस्टल्स की एग्जांपल में किन किन का जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है वो क्यूबिक होता है उसमें आसान आसान जो फेमस है सबसे पहले है डायमंड, सोडियम क्लोराइड है, फेरस एलिमेंट जो है एटम उनका भी और गोल्ड महंगे वाली है इसमें जो हमारे ज्यादातर इस्तेमाल होती है वो लिखी है। जिस तरह से डायमंड हम बहुत ज्यादा नाम सुनते हैं, सोडियम क्लोराइड जो नमक हम खाते हैं, एयू गोल्ड जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा आयरन, तो मैंने चारों फेमस जो है उनके नाम लिखे हैं। सेकेंड सिस्टम टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल क्यों, क्योंकि हम चल रहे सी टू तो अब सी वाला हो गया क्यूबिक हो गया, अब हम आ गए टू पे, तो जो टू है उसका टी मींस के टेट्रागोनल। इस सिस्टम में याद रखिएगा एंगल से पहले थे एंगल्स बराबर होंगे, इसके अल्फा बीटा गामा जो एंगल्स हैं वो तमाम आपस में बराबर होंगे, हर एक की मैग्नीट्यूड 90 डिग्री की होगी यानी कि राइट एंगल्स होंगे। लेकिन दो लेंथ ए और बी आपस में बराबर होगी, जो सी लेंथ है वो इनसे डिफरेंट होगी, इनके बराबर नहीं होगी। पहले वाले में तीनों लेंथ बराबर थी, एक्सिस लेंथ बराबर, यहाँ पे दो बराबर हैं, ए और बी इक्वल होगी, सी लेंथ बराबर नहीं है। इन दिस सिस्टम टू एक्सिस आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड थर्ड एक्सिस इज आइदर शॉर्टर और लॉन्गर, मतलब जो थर्ड एक्सिस है हमारे पास वो इनके बराबर नहीं होगा, या तो वो बड़ा हो जाएगा इनसे या इनसे छोटा हो जाएगा। तो हमारे पास इस जब इस तरह के पैरामीटर से ज्योमेट्रिकल पैटर्न सेट करेंगे इस फॉर्म में तो टेट्रागोनल सिस्टम वजूद में आता है। ये उसका स्ट्रक्चर है, देखा जाए तो ये साइड और ये एज जो है ये दोनों एजेस आपस में बराबर है, ये जो थर्ड एज है वो इनके इक्वल नहीं है। इनमें फेमस अगर एग्जांपल्स की बात की जाए अमोनियम ब्रोमाइड है, मैग्नीज का ऑक्साइड है, टिन है और टिन का ऑक्साइड है, तो ये फेमस है इनको हमने इंक्लूड कर दिया। नंबर थ्री पे है हमारे पास थर्ड नंबर पे ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक क्योंकि मैंने आपको बताया था सी टू माई वर्ड तो क्यूबिक हो गया, देन टेट्रागोनल हो गया, अब हम आ गए ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, इसमें याद रखिएगा जो तीनों लेंथ हैं एजिस लेंथ या एक्सिस लेंथ हैं वो तीनों बराबर नहीं होंगे। इसकी बहुत आसान से मैं मिसाल समझाता हूं आपको, जबकि तीनों जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं, हर एक की मैग्नीट्यूड 90 डिग्री के बराबर। हमारी जो बुक होती है
या जिस तरह से ये एक डस्टर है हमारे पास, ये ऑर्थोरम्बिक की बेस्ट एग्जांपल है। ये देखिए जरा, ये पहली लेंथ, ये दूसरी लेंथ उससे छोटी, ये तीसरी लेंथ है यहाँ पे सबसे छोटी है। तीनों लेंथ इक्वल है, लेकिन जब हम एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल्स सब के सब क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। आर द थ्री एक्सिस आर अनइक्वल इन लेंथ, तीनों जो है वो डिफरेंट होंगे, इसके अलावा लेकिन जो एंगल्स हैं वो समान के तमाम राइट एंगल्स होंगे, यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर होंगे। ये देखिए जरा, ये अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक ये लेंथ, इसके बाद ये लेंथ है, और इधर ये लेंथ हमारे पास, ये सबसे शॉर्टर, ये इंटरमीडिएट है, ये सबसे बड़ी है। इसकी फेमस एग्जांपल्स की बात करें, आयोडीन हमारे पास K2SO4 है, बेरियम का सल्फेट है, तो ये इसकी तीन फेमस एग्जांपल्स हैं जिनका हम मतलब नाम पढ़ते हैं या सुनते आ रहे हैं। तो ये है किसके बारे में, ऑर्थोरम्बिक के बारे में। नंबर फोर पे आ जाएगा हमारे पास मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक क्या होता है, मोनोक्लिनिक उससे थोड़ा सा डिफरेंट, इसमें अगर बात की जाए उसी बात को, पिछले में ऑर्थोरम्बिक में तीनों लंबाइयां बराबर नहीं थी, यहां पे भी याद रखिएगा तीनों लंबाइयां आपस में, तीनों लेंथ जो है एजिस लेंथ वो इक्वल नहीं होंगे, ए बी सी तीनों डिफरेंट होंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाएगा एंगल्स में। पहले जो तीन थे हमारे पास क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरम्बिक, सब में एंगल्स सेम थे, सब में एंगल्स की जो मैग्नीट्यूड है वो सबकी 90-90-90 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एंगल अल्फा और गामा होगा इन दोनों की मैग्नीट्यूड 90 के बराबर होगी, ये बराबर। लेकिन जो एंगल बीटा होगा, याद रखिएगा एंगल बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, बल्कि 90 डिग्री से राइट एंगल से बड़ा होगा। तो आर थ्री एक्सिस आर अनइक्वल, अनइक्वल है यहाँ पे कौन वाला एक्सिस, ये लंबाइयां जो है यहाँ पे तीनों अनइक्वल होंगी, याद रखिएगा। लेकिन वो कहता है टू ऑफ दीज एक्सिस आर, जो दो एंगल्स हैं वो राइट एंगल के होंगे, लेकिन जो थर्ड एंगल होगा, जो थर्ड वाई जो के एंगल बीटा है हमारे पास, वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे मोनोक्लिनिक सिस्टम, मोना मोनोक्लिनिक। तो नाम पे गौर करें जरा, मोनो तो मोनो से मुराद कुछ मीठा हो जाए, मीन्स के शुगर है हमारे पास इसकी फेमस, सल्फर इसके में आ जाता है, और बोरेक्स हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में इंक्लूड है। नंबर पांच पे है हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें और पहले वाले में डिफरेंस आएगा, कैसे डिफरेंस आएगा, इसमें देखेंगे तो दो लंबाइयां जो है, दो लेंस ए और बी, पिछले दोनों में मुसलसल जो है तीनों लेंस अनइक्वल हो गई थी, लेकिन कहानी रिपीट होगी, बैक पे जाएगी किस तरह से, जब दो लंबाइयां हमारे पास बराबर, जबकि तीसरी लंबाई हमारे पास बराबर नहीं है, जैसा कि हमने टेट्रागोनल में पढ़ा, लेकिन वहां पे तीनों एंगल्स बराबर थे, यहाँ पे कोई दो एंगल्स हमारे पास अल्फा और बीटा आपस में बराबर होंगे, किसके 90 डिग्री के होंगे, दोनों 90-90 के, जबकि एंगल जो गामा होगा 120 डिग्री के बराबर होगा। हेक्सागोनल के लिए याद रख लीजिएगा, हेक्सागोनल के लिए वर्ड मुसद्दस के लिए इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, और इसमें हमेशा याद रखिएगा एक एंगल 120 डिग्री का होगा, और वो कौन सा होगा, थर्ड एंगल होगा, जिसको हम गामा एंगल कहेंगे। बाकी दो एंगल जो है यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए जरा, ये जो एंगल है इधर जो एंगल बनेगा, और इधर ये दोनों 90 के होंगे, ये जो लेंथ है सी ये अनइक्वल है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो ये सी के सामने वाला एंगल गामा एंगल होगा, और वो 120 डिग्री का होगा। इसकी एग्जांपल्स में जो मशहूर है ग्रेफाइट है, हम जानते हैं आइस, हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइसोट्रोपिक भी पढ़ा, उसमें भी 120 डिग्री का ज़ाहिर करता है, जिंक और जिंक का जो ऑक्साइड है वो भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखते हैं। नंबर 6 पे आ जाएगा हमारे पास रोम्बोहेड्रल, क्योंकि हम पढ़ रहे थे सी टू माई हर्ड, मीन्स के क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरम्बिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया, अब हम आ गए हैं कहां पे, रोम्बोहेड्रल। इसमें क्या हुआ, क्यूबिक सिस्टम की तरह, क्यूबिक सिस्टम में आपको याद होगा कि तीनों लंबाइयां बराबर थी,
यहां पे तीनों लंबाइयां बराबर है, ए बी सी एडजेसेंट बराबर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, कोई भी जो लंबाइयां तो बराबर है लेकिन कोई भी जो एंगल अल्फा एंगल बीटा या एंगल गामा आपस में एंगल से तीनों क्या है डिफरेंट है, यानी कि तीनों की मैग्नीट्यूड 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो आर थ्री एक्सिस आर ऑफ एन इक्वल लेंथ लाइक क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम की तरह इनमें लेंथ इक्वल होंगी, लेकिन जो तीनों एंगल्स हैं इनमें से कोई भी 90 डिग्री का नहीं होगा बल्कि 90 से 120 के दरमियान लाए करीबा मौजूद होगा, ऐसा सिस्टम कहलाएगा रोम्बोहेड्रल सिस्टम। इसकी मशहूर एग्जांपल्स एलुमिना है जिसको आप एलुमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, पोटेशियम का नाइट्रेट है और सोडियम का नाइट्रेट है, इनके हम नाम ऑलरेडी जानते भी हैं, तो इनके नामों के साथ आपको याद हो जाना चाहिए कि रोम्बोहेड्रल सिस्टम इनका होता है। जो लास्ट में है हमारे पास विच इज द ट्राइक्लिनिक सिस्टम, ट्राइक्लिनिक सिस्टम में बात खत्म हो जाएगी, ना तीनों लंबाइयां रहेंगी बराबर होंगी और तीनों एंगल्स भी 90 के बराबर नहीं होंगे। हमने पहले देखा किसी में लंबाइयां बराबर आ रही थी, किसी में साइड्स बराबर आ रहे, साइड के साथ साथ एंगल्स बराबर आ रहे थे, कहीं पे तीनों बराबर हो गए, कहीं पे दो बराबर हो गए, यहाँ पे कहानी ही खत्म, ना लंबाइयां तीनों बराबर रही और ना ही तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। ऑल द थ्री एक्सिस एंड थ्री एंगल्स आर अनइक्वल, नन ऑफ और इनमें से कोई भी जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इसकी जब कहानी खत्म हो गई तो फिर इसकी फेमस जो एग्जांपल है वो कॉपर सल्फाइड पेंटाहाइड्राइड जिसको नीला तोता भी कहते हैं, तो ये इसकी फेमस एग्जांपल। इसके अलावा बोरिक एसिड है और केएलसी और पोटेशियम डाइक्लोरोमेट इसकी एग्जांपल्स हैं। लास्ट एक अहम बात याद रखिएगा कि हमारे पास सेवन क्रिस्टल सिस्टम के लिए जो 14 ब्रेमिस लेंसेज होते हैं तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए या एमडीकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद आपको याद रखनी चाहिए।